आप कभी टच मत करिएगा इसको, समझे? बिल्कुल, मैंने भी नहीं किया किसी को। दोस्तों कहते हैं सच्चा प्यार कभी मरता नहीं है, वही आज सच्चा व अच्छा उदाहरण आरिफ और सारस के बीच है। जुवन विभाग वालों को मजबूरन आरिफ पास सारस को लाना पड़ा। देखो वन विभाग वाले आरिफ को ले जा रहे हैं, कुछ उसके बारे में हिदायत देंगे और समझाएंगे। आरिफ तुम्हारे बिना सारस नहीं रह सकता है यही बता रहे हैं, लेकिन उसका भी ख्याल रखना क्योंकि अब तुम पॉपुलर हो गए, तुम्हारे दुश्मन भी तैयार हैं, इसलिए उसका ध्यान रखना क्योंकि ये राजनीतिक कारण बन चुका है। दोस्तों ऐसे वीडियो में आप बने रहिए, हम दिखाएंगे 2 दिन बिछड़ने के बाद सारस आरिफ को पाने के बाद कैसे खुश है, कैसे उछल उछल कूद रहा है, कैसे दाना खा रहा है। अब उसके साथ लास्ट तक बने रहिए और देखिए उसकी खुशी का ठिकाना नहीं है इस समय आरिफ और सारस का। देखिए पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए, जरूर देखिए। ऐसी दोस्ती अमर रहे दोस्ती, ऐसा प्यार अमर रहे प्यार, जो आरिफ और सारस के बीच में है ये दुनिया देखेगी, जग देखेगी और राजनीति पार्टियां देखेंगी। आरिफ और सारस को जुदा करने के लिए पीछे पड़ चुकी थी, इस समय वन विभाग वालों को भी मजबूर होना पड़ा जो आरिफ के पास सारस को लाकर छोड़ दिया। आज आप लास्ट तक बने रहिए, ऐसे पूरा वीडियो देखिए, आपके आँख में आंसू आ जाएंगे।